नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बुंदेलखंड के झांसी में पानी भरने के विवाद को लेकर दलितों को पीटने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते दिनों पानी भरने को लेकर हुए विवाद के चलते आज झांसी की प्रेम नगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ पाई है। मामला झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के सैयर गाँव का है, जहाँ 2 दिन पहले एक दलित परिवार को सरकारी हैंडपंप से पानी भरने से मना करने पर गांव के ही दबंगों ने जमकर मारपीट कर दी थी। इतना ही नहीं, दलित समाज के लोगों का कहना था कि इन यादव परिवार के लोगों ने सरकारी हैंडपंप से पानी भरने पर उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की थी और साथ ही हैंडपंप के शुद्धिकरण के नाम पर उनसे कुछ रुपये भी लिए थे। जब इसकी सूचना प्रेमनगर थाने की पुलिस को लगी तो पुलिस ने आनन फानन में मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश देना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस को सफलता भी हाथ लगी और 3 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार भी करके जेल भेज दिया। पानी भरने को विवाद का विवाद को लेके 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी, जिसमें एक पक्ष दलित था, दूसरा पक्ष यादव था। और उसमें दलित पक्ष का आरोप यह था, यादव पक्ष ने पानी भरने को लेके सरकारी नल पे पानी भरने के लिए मना किया और जब भराए थे उनके साथ मारपीट की है और शुद्धिकरण के नाम से 10,000 रुपये पैसे फिरौती मांगे। इस सूचना जैसे थाने पे मिला था, तत्काल प्रभाव से थाना प्रेमनगर के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मेडिकल है तो जो घायल अवस्था में जो पीड़ित थे उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनको भरपूर मेडिकल सुविधा मिल रही है। इसी क्रम में अलग अलग जो टीम बना के उनकी गिरफ्तारी तो प्रयास किया जा रहा था और गांव में भी इस नल को लेकर कहीं क्या पहले विवाद रहा है कि नहीं रहा है, संबंध में जानकारी भी दी गई। अब रीसेंट अपडेट है, इस मुकदमे में 3 अपराधी यानी 3 नामजद अभियुक्त, टोटल 9 थे नामजद अभियुक्त, जिसमें से 3 गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनका नाम है रमेश पुत्र स्वर्गीय प्रेमवान यादव, प्रमोद पुत्र जगदीश यादव, सोनू पुत्र कालीचरण यादव, ये सब निवासी सैयर गांव के हैं, बिजौली चौकी पर। अन्य शेष जो मुलजिमान है अर्जुन यादव, राम बाबू यादव, मोहन यादव, कालीचरण, उषा वाइफ ऑफ कालीचरण, हल्की डॉटर कालीचरण, ये लोग अभी भी वांटेड चल रहे हैं, इनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहना ये चाहते हैं हम कि पुलिस निष्पक्ष काम करेगी, किसी भी दबे कुचले वर्गों की हित को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हर संभव प्रयास करें। जाति सूचक या फिर कोई किसी जात या रिलीजन बेस्ड कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। पुलिस निष्पक्ष काम करेगी, साक्ष्य के आधार पर की गिरफ्तारी होगी। दूसरा, गांव में भी एवं हॉस्पिटल में भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, उनके साथ दिया गया है। कुछ लोग इसमें जो एक आरोप यह था कि गांव में दलित वर्गों को पानी भरने नहीं दिया गया, इस संबंध में भी हम लोगों ने जानकारी किया, ऐसा कोई मामला पहले उस गांव में नहीं है। उस गांव उस नल पे सभी समाज के लोग पानी भरते हैं। अभी एक चीज बात को लेके ये विवाद रहा है, एफआईआर के अनुसार हम लोग अभी अप्रोच कर रहे हैं कि आगे जो भी तथ्य सामने आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। कोई सवाल इसमें? फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज।